मारवाड़ी मेल्टी आप देख रहे हैं। आज है 3 फरवरी 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वह आम आदमी को राहत देने के लिए अगले हफ्ते से खुदरा बाजार में 29 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर भारत राइस ब्रांड के तहत चावल बेचेगी। सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि व्यापारियों को चावल के स्टॉक का खुलासा भी करने को कहा गया है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह कहा। दरअसल आपको बता दूं, पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में लगभग 15% की वृद्धि हुई है, यानी कि बाजार में चावल की कीमतें न बढ़े, इसी वजह से सरकार अब खुद चावल बेचेगी। अगले सप्ताह से बाजार में 5 किलो और 10 किलो के पैक में यह चावल उपलब्ध होगा। आपको बता दूं, सरकार पहले ही भारत आटा 27.50 रूपए प्रति किलोग्राम और भारत दाल 60 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रही है। दरअसल सरकार यह काम इसलिए कर रही है ताकि व्यापारी स्टॉक न कर सके और इनके भाव न बढ़े। और अब सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए अगले हफ्ते से खुदरा बाजार में 29 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर चावल बेचेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और काम की खबर। यदि आप भी किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं या किसी दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं और आपको नेटवर्क की समस्या है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ने कॉल ड्रॉप की समस्या के समाधान के लिए कमर कस ली है। TRAI के नए चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी ने कहा है कि कॉल ड्रॉप की समस्या को हर हाल में जल्द दूर किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, हम कमरे के अंदर चले जाते हैं तो इंटरनेट नहीं चलता, या फिर अचानक बात करते करते आवाज नहीं आती, या फिर कॉल कट जाती है। इस समस्या को, यानी सरकार ने कॉल ड्रॉप की समस्या को हर हाल में दूर करने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। जोजरी नदी को स्वच्छ बनाने की योजना की सौगात जल्द पश्चिमी राजस्थान की जनता को मिल सकती है। दरअसल अभी 1-2 दिन पहले संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट लिंक परियोजना को लेकर आयोजित फेसबुक लाइव में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी दी, तो यह पश्चिमी राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। वहीं देखिए, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि ERCP परियोजना से प्रदेश में कृषि और बागवानी नई करवट लेगी। सिंचाई और पेयजल के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसानों की तकदीर बदलेगी। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने प्रदेश को ERCP के रूप में बड़ी सौगात दी है। वहीं देखिए, कृषि मंत्री मीणा ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान की भी शुरुआत की है। वैसे आपको बता दूं, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का उद्देश्य यह है कि गांव के किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए इस योजना के तहत प्रेरित किया जाएगा। यानी कि यह एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही हिस्सा है। इस योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसमें फसलों का सूखा, आंधी तूफान, बेमौसम बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि जैसे दुष्प्रभावों से बीमा सुरक्षा दी जाती है। यदि किसान की फसल किन्हीं कारणों से प्रभावित होती है तो किसान खुद अपने मुआवजे की मांग कर सकता है। इसीलिए सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान की शुरुआत की है ताकि किसानों को बीमा करवाने के लिए प्रेरित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मौजूदा समय में देश भर में चल रही ट्रेनों में करीब 40,000 कोच ऐसे हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं या फिर पूरी करने वाले हैं। ऐसे कोचों को धीरे धीरे हटाया जाएगा और इनकी जगह नए कोच लगाए जाएंगे। यह कोच मौजूदा कोचों की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होंगे। और उन्होंने कहा कि इन सभी कोचों में GPS और कैमरे लगे होंगे। इसके अलावा सीट बर्थ अनाउंसमेंट सिस्टम, टॉयलेट आदि सामान्य की तुलना से बेहतर होंगे। यानी कि जो रेल के अंदर पुराने कोच है उनको हटाकर अब नए कोच लगाए जाएंगे जो अधिक सुविधाजनक होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के अनुसार देश का लोकप्रिय UPI अब फ्रांस में भी शुरू हो गया है। वैसे आपको बता दूं, फ्रांस से पहले भी कई देशों में भारत का UPI सिस्टम शुरू हो गया है। इसका फायदा यह होगा, जैसे भारतीय पर्यटक किसी दूसरे देश में जाते हैं तो UPI से जुड़े एप्स का उपयोग करके आसानी से ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे, जैसे अभी भारत में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत का स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं जांच में गहलोत को स्वाइन फ्लू होने की भी पुष्टि हुई है। आपको बता दूं, इसके बारे में उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है।
साथ में बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप सामने आने लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि मैं और डोटासरा कई लोगों के टिकट काटना चाहते थे, लेकिन हमारी चल नहीं पाई। रंधावा ने तो यहां तक बोल दिया कि अगर हमारे निर्णय लागू होते तो राज्य में कांग्रेस की सरकार फिर आती। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से आज से पूरे उत्तर भारत का मौसम बदलने वाला है। कुछ राज्यों में आज कोहरा छाने और कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान की बात करें तो आज और कल यानी कि दो दिनों में जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर संभाग में बारिश के साथ कुछ पर ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। यानी कि 3 और 4 फरवरी को राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम बदला हुआ नजर आएगा। इस दौरान हो सकता है प्रदेश के कुछ भागों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो जाए और कई स्थानों पर ओले गिरने की चेतावनी है। इसी वजह से मौसम विभाग ने आज और कल के लिए विशेष अलर्ट जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोल और डीजल के भाव में आज भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, देखिए आजकल पेटीएम को लेकर भी बहुत सारी खबरें सामने आई है और लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन ये भी है कि क्या अब पेटीएम बंद हो जाएगा। तो आपको बता दूं, पेटीएम सर्विस बंद नहीं की है, यूपीआई और फास्टैग का यूज करने पर रोक है। साथ ही में पेटीएम पेमेंट बैंक यूजर्स को 15 मार्च तक अपने डिपॉजिट निकालने का समय दिया गया है। ऐसे में अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में खाता है तो अपने पैसे निकाल लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद इसका यूज भी नहीं कर पाएंगे। बाकी आपके पास जैसे फोन में पेटीएम का एप्लीकेशन है और यह एप्लीकेशन किसी दूसरे बैंक से लिंक है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की आपके लिए बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।